अगर कोई भी ईसाई शख्स बाइबल में से कहीं भी मुझे ये साबित कर दे, ये दिखा दे बाइबल में, क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं जाकिर नाइक आज इस आयत कबूल करने को तैयार हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अली खान है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मेरा पहला सवाल मेरे दोस्त शाहजेब नदीम की तरफ से, जो एक क्रिश्चियन है, उन्होंने बाइबल में पढ़ा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 दिन बाद मरियम अलैहिस्सलाम के भाई को जिंदा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने पढ़ा कि खुदा की तरह जैसे खुदा दुनिया बनने से पहले पानी पे था, ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम पानी पे चल सकते थे। इन्हीं वजूहात से वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, तो क्या वो इन वजूहात की तरफ से खुदा को क्यों नहीं मान सकते, जबकि वो इन ऐसी चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं। दूसरी बात ये कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने उन्हें इस्लाम के लिए वक्फ किया। सर छोटा सा एक सवाल। जज़ाकअल्लाह। भाई साहब ने कहा कि उनके एक ईसाई भाई है और उन्हें सवाल किए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे में जान डाली और पानी पे चले, तो ये सब जो मौजज़ा है वो साबित नहीं करता है कि वो खुदा है। इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जिसके लिए फ़र्ज है हर मुसलमान को कि वो माने ईसा अलैहिस्सलाम में। कोई भी मुस्लिम अगर ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता है तो वो मुस्लिम नहीं है। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के पैदा हुए। हम मानते हैं जो कई ईसाई आज नहीं मानते। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और जिसको कोढ़ था, लेप्रेसी थी, उनका इलाज किया। अगर हम देखेंगे तो मुसलमान और ईसाई एक साथ में, हमारा जो यकीन है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक है, लेकिन एक इख्तलाफ है जो बड़ा इख्तलाफ है। अक्सर ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में आप पूरी बाइबल पढ़िए, बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर कोई भी ईसाई शख्स बाइबल में से कहीं भी मुझे ये साबित कर दे, ये दिखा दे बाइबल में, क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं जाकिर नाइक आज इस आयत कबूल करने को तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमानों को ये कहने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं तकाबुल अध्ययन का तालिब हूं। आम मुसलमान नहीं कह सकता ये, लेकिन अगर आप तकाबुल अध्ययन के माहिर है या स्टूडेंट है, आपने बाइबल पढ़ी तो आपको पता लगेगा कि बाइबल में लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माय फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद मेरे से महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे अब्बा सबसे महान है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई विद फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 30, मुझे आदत है अंग्रेजी में बोलने की, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Isa alayhi salam कहते हैं बाइबल में, मैं मेरे अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूँ. I of my own can do nothing. As I hear, I judge. जैसे मैं सुनता हूँ, मैं judgment देता हूँ. For I seek not my will, but the will of my Father.
क्योंकि मैं खुद की तरफ से कुछ नहीं कहता हूं, वही मानता हूं जो मेरे अब्बा कहते हैं, मेरे खुदा कहते हैं। ये लव्स माय फादर बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते खुदा के लिए। यानी बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 30 में, क्या ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं वो चीज मानता हूं जो मेरे अल्लाह कहते हैं। अगर आप अरबी में उसको तर्जुमा करेंगे तो मुस्लिम हो जाता है। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, उन्हें कहीं भी नहीं कहा कि वो भगवान थे या खुदा थे या ईश्वर थे। और मैं रेफरेंस देते जा सकता हूं, वक्त की किल्लत है। जो आपका सवाल है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, वो तो कुरान में भी लिखेला है, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली बिइज़्निल्लाह बिदरी मफल्ला। लेकिन मौजिज़ा कभी भी टेस्ट नहीं है जानने के लिए वो खुदा है कि नहीं। इस्लाम में मौजिज़ा दिया गया था पैगंबरों को, और कई पैगंबर के पास मौजिज़ा थे, और बाइबल में भी लिखा है। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 के, बहुत से ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जो आपको बेवकूफ बनाएंगे, और विल ऑल्सो डिसीव द इलेक्ट, अने जो इलेक्टेड लोग हैं जो 12 अपोसल थे उनको भी बेवकूफ बनाएंगे। अने मौजिदा अकॉर्डिंग टू द बाइबल इज नॉट द टेस्ट। आप समझ रहे, मौजिदा करना कोई टेस्ट नहीं कि आप खुदा बन जाते। जितने भी मौजूदे हुए अल्लाह ने किए,